चलिए दोस्तों, आज हम कायरल, ए कायरल, रिटेंशन, इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रेसिमिक मिक्सर के बारे में सीखेंगे। तो रिटेंशन क्या है, कायरल मॉलिक्यूल किसे बोलोगे, ए कायरल मॉलिक्यूल किसे बोलोगे, वो तो पूरा डिस्कशन अभी आज हम करेंगे। तो सबसे पहले ए कायरल प्रोपेन टू ऑल, ए कायरल प्रोपेन टू ऑल को डिस्कस करना हो तो यहाँ पर आपके पास एक कंपाउंड है प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल के अंदर आपको बताना है कि ये कंपाउंड जो है वो एक आयरल है। तो कैसे प्रूव करोगे कि ये एक आयरल है, तो एक आयरल प्रोपेन टू ऑल, एक आयरल मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका प्रोपेन टू ऑल कैसे हुआ। तो ये कार्बन नंबर वन, ये फर्स्ट कार्बन, ओके, ये आपका सेकंड कार्बन, और ये जो है आपका थर्ड नंबर का कार्बन। तो तीन कार्बन हो चुके, सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो प्रोपेन टू ऑल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो मिथाइल ग्रुप सेम है। यहाँ पर एक मिरर रखा, जैसे ही हम मिरर रखेंगे तो इसका आपको मिरर इमेज मिल जाएगा। तो यहाँ मिरर इमेज मिला, जो OH आगे की यहाँ पर है तो यहाँ OH आएगा, बैक साइड में CH3 तो बैक साइड में CH3, फ्रंट साइड में CH3, फ्रंट साइड में एक CH3, और H आपका प्लेन के ऊपर है। अब इसे 180 डिग्री रोटेट किया, तो हमें मालूम है कि जब 180 डिग्री कोई भी चीज रोटेट होगा तो आगे वाली साइड पीछे चली जाएगी, पीछे वाली साइड आगे हो जाएगी। तो यहाँ पे जो CH3 पीछे वाली साइड है वो आगे चली जाएगी और आगे वाला CH3 पीछे आ जाएगा, ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा, सी जैसा आपको स्ट्रक्चर मिल गया। अब यहाँ पर क्या करना है, तो नीचे देखिए लिखा है कि सी ऑप्टेन बाय रोटेशन ऑफ बी बाय 180 डिग्री, सी इज सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज ए। तो अब हम सपोज सी को पूरा, जो सी को मॉल सी के मॉलिक्यूल को ले रहे, ओके, सी इज सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज ए। तो सी को पूरा लेकर ए के ऊपर रखोगे आप, या तो ए को सी के ऊपर रखो तो ये सुपर इम्पोज हो जाता है, सी एस सी के ऊपर सी एस सी आ जाएगा, सी एस सी के ऊपर सी एस सी, एच के ऊपर एच, और ओ एच के ऊपर ओ एच। तो ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल आपका एक कायरल मॉलिक्यूल है। तो जो चीज आपको सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज दे वो मॉलिक्यूल आपका एक कायरल होगा। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि कायरल कायरल मॉलिक्यूल, तो कायरल मॉलिक्यूल के अंदर सबसे पहले कायरल मॉलिक्यूल में क्या होगा, तो ब्यूटेन टू ऑल का एग्जांपल हमें समझाया गया है। ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल कैसे काउंट करोगे, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये जो कार्बन होगा आपका टू नंबर का कार्बन होगा, फिर थ्री एंड फोर, तो सेकेंड पोजिशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। चलो हम इसके यहाँ मिरर रखते हैं, मिरर इमेज लेने के लिए ट्राई करो, तो OH यहाँ पर होगा तो OH सामने आ जाएगा, फ्रंट साइड पर C2H5 है तो यहाँ फ्रंट सॉरी हाँ फ्रंट साइड में ये C2H5, ये आपका CH3 डैश लाइन में है, बैक साइड में तो CH3 बैक साइड में, H आपका प्लेन के ऊपर तो H आपका प्लेन के ऊपर, ये मिरर इमेजेस आपको दिख रहा है। अब आप इको 180 डिग्री रोटेट करो, जब हम इको 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होगा कि C2H5 आगे वाली साइड है वो आपका पीछे वाली साइड चला जाएगा, CH3 जो बैक साइड है वो आपका आगे चला जाएगा, और बाकी एच और ओ एच अपने प्लेन पर ही रहेंगे। अब आप देखो एफ एफ को पूरा ले लो, और एफ को किसके ऊपर रखना है, तो इस एफ को आप डी के ऊपर रखो, या तो डी को एफ के ऊपर रखो। तो देखो यहाँ लिखा है एफ ऑप्टेन बाय रोटेटिंग ई बाय 180, एफ इज नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज डी। देखो एफ और डी यहाँ ऊपर रखोगे तो सी एस सी के ऊपर कौन आएगा, C2H5, और यहाँ सी एस सी के ऊपर C2H5, OH और H, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज हो गया। लेकिन क्यों हुआ, तो यहाँ पर जो ए कार्बन है वो एसिमेट्रिक कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब उसके साथ चारों फंक्शन ग्रुप अलग अलग है, इसलिए ऐसा हुआ। ओके, तो ये जो पार्ट है ये आपका हो गया कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल,
ब्यूटेन टूल हैज फोर डिफरेंट ग्रुप अटैच टू द टेट्राहेड्रल कार्बन। ब्यूटेन टूल का एग्जाम्पल अभी हमने देखा, उसके अंदर हमने ये देख लिया कि ये मॉलिक्यूल कैसा था, टेट्राहेड्रल है और ब्यूटेन टूल कायरल है। कार्बन एज एक्सपेक्टेड इज कायरल। एग्जाम्पल, कायरल के सारे एग्जाम्पल कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है, टू क्लोरोब्यूटेन। चलो आप टू क्लोरोब्यूटेन बनाने के लिए ट्राई करोगे तो वहां क्लोरीन के साथ जो कार्बन अटैच है वो आपका कैसा होगा, तो क्लोरीन के पास कार्बन है वो कायरल होगा क्योंकि उसके साथ चारों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे। टू क्लोरोब्यूटेन तो वन, ओके, फिर ये टू, देन थ्री, देन फोर। यहां पर टू क्लोरो है तो यहाँ सेकंड पोजीशन पर यदि आप सीएल लिखोगे तो ये सीएल आ गया। अब आप चेक करो तो यहाँ कौन कौन से अलग अलग ग्रुप है, तो एक कार्बन होगा, एक आपका पूरा इथाइल ग्रुप अलग हो जाएगा, एक सीएल अलग होगा और एक एच अलग होगा। तो ऐसे चारों फंक्शन ग्रुप अलग अलग है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो कि कायरल है, जैसे कि टू थ्री डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। तो टू थ्री डाइहाइड्रोक्सी, तो ये कार्बन आपका, आपको यहाँ पर ये कार्बन चेक करना है। इस कार्बन को आप यदि देखोगे, ये वाले कार्बन को, तो यहाँ पर क्या है, देखो आप कौन कौन से अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। तो एक आपका हो जाएगा आल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, एक आपका OH है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर CH2OH है और एक आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। तो ऐसे चार फंक्शनल ग्रुप अलग अलग, तो ये भी कायरल है। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल बताया कि और दूसरा कौन सा होगा, तो ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन, जिसमें आपके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। एक कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच है, क्लोरीन अटैच है, आयोडीन अटैच है और हाइड्रोजन, चारों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। टू ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, तो यहाँ पर मेन कार्बन आपका ये हो गया और इसके साथ क्या क्या अलग अलग है, तो एक CHC है, एक H है, एक BR है और एक COOH है, चारों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए। इसे यहाँ पर ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे कायरल मॉलिक्यूल। तो ये कायरल मॉलिक्यूल के सारे एग्जाम्पल थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे इनांशियमर। तो इनांशियमर का डेफिनेशन क्या है उसको हमें समझना है। तो इनांशियमर का डेफिनेशन समझे, द स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज ए नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड इनांशियमर्स। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, अभी आपने सीखा कि जो मिरर इमेज कैसा होगा, एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं कर पाए, वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। वैसे इनांशियोमर्स को, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स क्या हो जाएंगे, इनांशियोमर्स। तो अभी आपने सपोज एक एग्जांपल देखा, ब्यूटेन टू ऑल, तो ब्यूटेन टू ऑल नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज था, तो उसे हम बोलेंगे इनांशियोमर्स। इनांशियोमर्स पजेस आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनांशियोमर पजेस आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि आप ऐसा करो कि सपोज एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो कोइंसाइड नहीं होंगे। तो ऐसा समझ सकते कि ये दोनों एक दूसरे के इनांशियोमर्स है। दूसरी बात कि यहाँ पर दोनों सेम ही है, दोनों का काम सेम है, दोनों के प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होंगे। ओके, कौन कौन से प्रॉपर्टीज, तो कंपाउंड है तो कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट सेम होंगे, बॉइलिंग पॉइंट उनके सेम होंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम होंगे। सो दे आर ओनली डिफर विद द रिस्पेक्टिव रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट। उसका मतलब एक का काम क्या होगा, तो एक प्लेन पोलराइज लाइट को यदि एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो एक प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज टर्न करेगा। इफ वन ऑफ द इनांशियोमर इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड द अदर विल बी द लीवरोटेटरी। एक आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो दूसरा कौन सा होगा, आपका लीवरोटेटरी होगा। तो ये इनांशियोमर्स है। इनांशियोमर्स के बाद हम सीखेंगे रैसेमिक मिक्सचर। तो रैसेमिक मिक्सचर किसे बोलोगे, तो रैसेमिक मिक्सचर जो कि कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। रैसेमिक मिक्सचर कंटेन टू इनांशियोमर इन इक्वल प्रोपोर्शन, 50-50% होगा, विल हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। द रोटेशन ड्यू टू वन आइसोमर विल बी कैंसल बाय द रोटेशन ड्यू टू अदर आइसोमर्स। एक का डेक्सो रोटेटरी होगा तो दूसरे का लीवो रोटेशन होगा। उससे क्या होगा कि एक दूसरे के जो रोटेशन होंगे वो कैंसल हो जाएंगे। एक दूसरे के जो रोटेशन होंगे, एक डेक्सट्रो है दूसरा लीवो है, तो रोटेशन आपका कैंसल हो जाएगा। सच मिक्सचर इज नोन एज रैसेमिक मिक्सचर। देखो यहाँ बताया, रैसेमिक मिक्सचर इज रिप्रेजेंट बाय प्रीफिक्स डीएल, प्लस और माइनस सिंबल से आप उसे रिप्रेजेंट करते हो, डीएल से रिप्रेजेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल, तो प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल का मतलब कि ये रैसेमिक मिक्सचर है। ये क्या करेगा, तो ब्यूटेन टू ऑल
एक जो होगा वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो दूसरा क्या करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो फाइनली आपको रोटेशन जीरो मिल जाएगा। इसलिए इसे बताया कि ये रासायनिक मिक्सर है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनांशियमोर इनटू रासायनिक मिक्सर इज नोन एज रासेमाइजेशन। इनांशियमोर को किसमें कन्वर्ट करना, रासायनिक मिक्सर में कन्वर्ट करना, उसी को हम क्या बोलेंगे, रासेमाइजेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर रासायनिक मिक्सर जो भी होंगे वो कैसे होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे और उनका जो नेट रोटेशन होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा। रिटेंशन, रिटेंशन किसे बोलेंगे, तो रिटेंशन के अंदर यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझाया उसे देखो। मानो कि आपके पास एक कंपाउंड है, इसका रिएक्शन वाई के साथ हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए आप कि एक्स की जगह कौन आ गया, तो एक्स की जगह सिंपली आपने वाई रखा, तो एक्स की जगह वाई आ गया, लेकिन स्ट्रक्चर का पोजिशन सेम टू सेम है, तो जस्ट ओनली चेंज इन द और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्स इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वाई ओनली, देयर इज नो चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। सो केमिकल स्पीसीज एक्स सी ए बी सी इज कन्वर्टेड इन टू द केमिकल स्पीसीज वाई सी ए बी, ओनली एक्स इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वाई हैविंग द सेम रिलेटिव कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन उनका कैसा होगा, सेम है, इसलिए इसे हमें क्या बोलेंगे, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे कि ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन है। तो ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो गया। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन के अंदर उसका डेफिनेशन भी हम देख सकते हैं कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन का डेफिनेशन क्या होगा। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन का डेफिनेशन हम देखते हैं। रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड टू एसिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये रिटेंशन का डेफिनेशन। अब उसका एग्जाम्पल लेकर समझे कि एग्जाम्पल में उस रिटेंशन को समझाया है, तो एग्जाम्पल यहाँ पर सिलेक्ट किया है वो है 2-methyl-butanone-ol। 2-methyl-butanone-ol का एग्जाम्पल है। 2-methyl कैसे हो गया, 2-methyl-butanone-ol मीन्स काउंटिंग करना हो तो ये कार्बन आपका कौन सा हो जाएगा, ये फर्स्ट कार्बन, ये कार्बन आपका सेकेंड कार्बन, ये कार्बन आपका थर्ड और ये फोर्थ, तो चार कार्बन है। सेकेंड पोजिशन पर OH है, तो यहाँ पर आप OH ले लो, OH और OH इज और H, यहाँ से H निकालो तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, Cl जो होगा Cl OH की जगह ले लेगा सिंपल, तो यहाँ पर देखिए आपने Cl बना लिया। कंपाउंड कौन सा हो गया, यहाँ पर 2-methyl-butanone-ol था, अब सेकेंड पोजिशन पर मिथाइल तो रहेगा ही रहेगा, ये आपको मिथाइल जो है वो सेकेंड पोजिशन पर है ही, लेकिन उसके बदले में कौन आ गया, 1-chloro-2-methyl-butan क्लोरीन आ चुका है। तो यहाँ क्या हुआ, तो आप मेन स्केलेटन यदि देखोगे, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये जो अरेंजमेंट है उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये सेम टू सेम रहा, खाली आपका क्या हो गया, तो जहां पर OH था उसकी जगह Cl आ गया, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर रिटेंशन हुआ। ओके, माइनस और प्लस साइन क्या इंडिकेट करेगा, तो माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि ये लिवोरोटेटरी है, जबकि प्लस साइन इंडिकेट करेगा कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। वो कहां से आया, तो ये एक्सपेरिमेंटल बेस क्वांटिटी है। अब तीनों चीज हम एक साथ सीखेंगे, इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रासेमाइजेशन। व्हाट इज इन्वर्जन, व्हाट इज रिटेंशन एंड व्हाट इज रासेमाइजेशन, वो एक साथ हम सीखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर आपके पास ये सेंटर में एक कंपाउंड है, ओके, इसका रिएक्शन हमें करना है किसके साथ, वाई के साथ। जब हम वाई के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर पहले रिएक्शन में क्या हुआ, तो एक्स, एक्स की जगह वाई आ गया और बाकी पूरा अरेंजमेंट सेम है, देखो और कुछ नहीं है। तो ए को हम क्या बोलेंगे, जो आपका ए आया तो ए वाला जो पूरा प्रोसेस हो गया आपका वो हो जाएगा रिटेंशन, इसलिए मैं यहाँ आर लिख रहा हूँ। चलो अब आप इसके साथ रिएक्शन कराओ, इस साइड वाई के साथ रिएक्शन कराओ इसी कंपाउंड को, तो इस कंपाउंड को वाई के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ एक्स की जगह कौन आ गया, तो यहाँ एक्स था उसकी जगह वाई तो आ गया, लेकिन आपका स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे ये तीन ग्रुप है वो राइट साइड है, यहाँ पे ये तीन ग्रुप कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, मीन्स स्ट्रक्चर आपका चेंज हो गया। तो जो बी मिला आपको, इस बी को हम क्या बोलेंगे, तो बी हो जाएगा आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई, ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो गया। नाउ व्हाट इज ए बी, तो ए एंड बी जो कलेक्टिवली ए बी मिलेगा वो हो जाएगा आपका रासायनिक मिक्सर। ये जो है आपका रासायनिक मिक्सर, इसको मैं बता रहा हूँ आर ए लिख रहा हूँ। ओके, तो ये बन गया, क्या मिल गया हमें, तो तीनों टर्म हमें क्लियर हो गए। रिटेंशन, तो जो ए मिला वो आपका हो जाएगा रिटेंशन, जो आपको यहाँ पे बी मिला वो हो जाएगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, और जो आपको यहाँ ए प्लस बी मिला वो हो जाएगा रासायनिक मिक्सर, रासायनाइजेशन।
यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि क्या मिलेगा, तो 50% ए मिलेगा और 50% बी, इट मीन्स इट इज डायसेमिक मिक्सचर, जो कि आपका कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है। इस एग्जांपल में और इसका क्लियर डेफिनेशन सीखे, तो फिर से ए जो था, ए आपका क्या था, तो ए जो था वो आपका रिटेंशन था। ए इज द ओनली कंपाउंड ऑब्टेन्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड रिटेंशन, यदि खाली ए मिलता है तो। If B is the only compound obtained, then the process is called inversion of configuration. And 50-50 mixture is obtained. The above two is obtained, then the process is called racemization and the product is optically inactive. Okay, तो यदि आपको 50-50 mixture मिला, 50 आपको A मिला, 50 B मिला, तो आपका कैसा होगा? तो racemic mixture जो कि optically inactive है. As one isomer will rotate the light in a direction of opposite to another. एक clockwise rotate करेगा तो एक anti-clockwise, तो net rotation जो मिलेगा वो आपको zero मिलेगा. Okay, तो दोस्तों आपको ये I hope कि अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, retention, inversion, racemization और chiral compound. एक chiral compound किसे बोलोगे? तो यहाँ पर आपको पसंद आया हो तो channel को like कीजिए, subscribe करिए, सीजी केमिस्ट्री एकेडमी चैनल का नाम है, इसे जरूर देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।